हूँ गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं चिश्तियाँ जा रहा हूँ, दानिश स्कूल चिश्तियाँ में, अपनी डिग्री लेने के लिए। तो उसी डिग्री लेने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो अब मैं उसका जो सफ़र है वो मैं शुरू करने लगा हूँ। ठीक है, अभी मैंने नहा धो लिया, नाश्ता वगैरह कर लिया, तो अब मैं जा रहा हूँ अपने सफ़र की तरफ। तो बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फाइनली हम लोग मेन रोड पर आ चुके हैं। ठीक है, ये मेन रोड आ गया है। तो अभी हम बस का इंतज़ार करेंगे, तो जैसे बस आएगी फिर सफ़र शुरू करते हैं। और ये पहली बस है जो कि मुझे लेके जाएगी आरेवाला तक। तो आरेवाला तक का जो सफ़र होगा वो मैं आपको दिखाता चलूँगा। ये जहाँ पे वो टिकट वगैरह होती है, तो वो वहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त। तो अभी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, तो देखते हैं जैसे ही गाड़ी आएगी तो हम उसमें अपनी सवारी में सवार हो जाएंगे और अपना सफ़र का आगाज़ कर देंगे इंशाल्लाह। दीपालपुर अड्डे पर पहुँच चुके हैं। तो दो घंटे के सफ़र के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ से अब आगे का सफ़र रवाना होगा। अभी हैं वो दीपालपुर साइड पे हम लोग हैं। तो अभी दीपालपुर से आगे का जो सफ़र है वो अभी कारवा है। तो रास्ते में रुके थे, नीचे उतरे हैं, कुछ खाने पीने के लिए हमने ले लिया, खाने पीने का जो सामान था हमने सारे लिए। बाकी सफ़र अभी तक फ़िलहाल जो है ना वो अच्छा ही चल रहा, बाकी भी आगे महीना इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। तो ये अभी हम आरेवाला पहुंच चुके हैं। ये पेट्रोल पंप के पास ही जो आरेवाला रहने वाले हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं अब्दुल रजाक वगैरह, तो वो यहीं से हैं। तो हम लोग आरेवाला पहुंच चुके हैं। तो अब आरेवाला से यहाँ पे हमें एक बस लगी हुई है,
तो मैं उसी पे अपना बाबा नगर का रूट लूँगा और चिश्तियाँ भी वहीं पे उसी से ही जाऊँगा। तो हम लोग जा रहे हैं वेटिंग हाउस जिसे कहते हैं, ठीक है, ये वेटिंग हॉल है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वेटिंग हॉल के अंदर, देखते हैं वेटिंग हॉल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं जो मुसाफिर हैं यहाँ के, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िल्टर पानी का भी अहतमाम किया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत कुछ है। अभी हम अंदर चलते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। चलें मोबाइल नहीं चला सका क्योंकि आई थिंक मेरा ये ख्याल था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, तो उसकी वजह से मैं नहीं चला पाया। बट यहाँ पे तो मैं इंजॉय रिस्पेक्ट, एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस, इतना भी लंबा प्रोसेस नहीं आया, वो थिंक कि मैं बड़ा जलील होऊंगा यार, बट मैं ज़रा सा भी जलील नहीं हुआ। मेरे साजा की शफकत है, मोहब्बत है, प्यार है। तो ये यार ये जूनियर है सारे मेरे यार, ठीक है, ये हमारे YouTube चैनल पे आप लोग नज़र आओगे, ठीक है, कल सुबह इंशाल्लाह अज़्ज़ल। ये हमारे सारे जूनियर्स हैं, ये इस वक्त इकबाल हाउस में इनकी शिफ्टिंग हो चुकी है। मैं इकबाल हाउस डॉम वन में हूँ जहाँ पे हम लोग सेकंड ईयर में हुआ करते थे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, यहाँ पे हुआ करता था मेरा बेड, यहाँ पे सईद उमर रियाज़ और यहाँ पे गुब्बारा और यहाँ पे मेरे साथ होता था अहमद शाह। तो अहमद शाह ये तेरा बेड है, मैं अभी वहाँ उस डोम में हूँ जहाँ पे हम लोगों ने सेकंड ईयर शुरू की थी। ये सारा का सारा डोम वही है, आप लोगों को ये याद होगा, ये प्रेयर हॉल है और ये इकबाल हाउस में खड़ा हूँ। इकबाल हाउस का ये टोटल एरिया है, ठीक है, ये हमारे जो जूनियर्स हैं ये यहाँ पे खड़े हैं, ये इकबाल हाउस में अब ऊपर वाले डोम में, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ईयर में रह के गए हैं गाइस, आप लोगों को याद होगा इस डोम में। तो चलो आओ हम लोग इस डोम का विजिट करते हैं, देखते हैं इस डोम में क्या हलबली मची है।
वगैरह मैंने ले लिए हैं, ये देखिए मेरे हाथ में मौजूद है। और अभी जो रास्ता जाना है वो है ये। बड़ा ही आ रहा था तो बड़े ना ऐसे ख्याल क्या होगा क्या नहीं होना, ठीक है। तो अभी रियलाइज़ हो गया, बड़ा कमाल का एंजॉय किया यार मैंने तो माशाल्लाह से, ठीक है, बहुत अच्छा लगा है। अभी मैं वापसी के रूट पे हूँ, तो अभी हमारा जो सफ़र था वो यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।